डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर है, तुमने बैटरी हटा दी। जब मैंने ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था, तुमने बैटरी हटा दी, मैंने कहा इसने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन टाइम लैग बिल्कुल नहीं था, बस फटाफट वायर लगाई, वायर की रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो डिस्चार्जिंग विद इन नो सेकेंड हो गई, खत्म हो गया। पर प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी ना होगा, वायर की क्या होगी रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रॉन जब वायर में जाएंगे, टक्करे मार मार के थक जाएंगे, तो कहने का मतलब है कि ये इंस्टेंट नहीं हो सकती डिस्चार्जिंग में, खाली नहीं होगा। तो कितने समय में खाली होगा? फिर किरचॉफ लॉ लगाओ, प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस क्यू बाई सी, करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं, प्लस आई आर इक्वल टू जीरो की इक्वेशन लगी, आई की जगह पुट किया माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि अब चार्ज खाली हो रहा है, रेट नेगेटिव है, पर ये भर रहा था तो पॉजिटिव है। इसको सिंप्लीफाई किया, लिमिट लगी, टाइम जीरो पे मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर पे क्यू नॉट, और टाइम टी पे इंस्टेंटेनियस चार्ज क्यू है, क्योंकि क्यू नॉट से क्यू हो गया। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, करना नहीं है, इंटीग्रेट करूं, तो फॉर्मूला नोट करो, ये फॉर्मूला लगाना है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में। जब चार्ज खाली हो रहा होगा, कैपेसिटर खाली हो रहा है, तो ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस चार्ज का, ये फॉर्मूला नोट करो। हमें कैसे पता लगेगा चार्ज या डिस्चार्ज है? असली बात तो यही है, न्यूमेरिकल में पहली चीज देखी जाती है, लिखा होता है, हिंट गिवन होगा न्यूमेरिकल में, ड्यूरिंग अ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ, तो अगर चार्जिंग है पहला फॉर्मूला, डिस्चार्जिंग है दूसरा फॉर्मूला, न्यूमेरिकल हमेशा देगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, नहीं वो आपको देगा न्यूमेरिकल में, देगा आपको न्यूमेरिकल में पूरा हिंट देगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, नहीं तो क्या लगेगा पता ही नहीं। तो इसमें जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उल्टा ग्राफ बनेगा, इनफाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर खाली होगा, यानी कि खाली होने में भी बहुत समय लगाएगा, ये ग्राफ मार्क करना है। और अगर मैं स्मॉल टी की जगह यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट आर सी पुट कर दूँ, तो ये वन हो जाएगा, टाउ बाई टाउ माइनस वन। सॉल्व करके ये फिगर याद करनी है, चार्ज टाइम कॉन्स्टेंट पे कितना हो गया, 37% ऑफ क्यू नॉट। कहने का मतलब टाइम कॉन्स्टेंट वो समय है जब डिस्चार्जिंग के दौरान चार्ज कितना बच गया, 37%, और चार्जिंग के दौरान इसी टाइम पे कितना हो गया, 63%, टोटल इज 100%। ये फिगर को मार्क कर ले प्लीज़।